हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं हूँ कोमल और आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हाउ टू कुक पे। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल ढोकली। दाल ढोकली में दाल बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, कोई भी स्टेप स्किप मत करना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप तुवेर की दाल, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च और 1/2 प्याज और 1 नंग टमाटर। अब हमें तड़के के लिए क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 नंग बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक कटी हुई प्याज, मूंगफली के दाने 2 टेबलस्पून, अदरक और हरी मिर्च और गुड़, करी लीव्स एंड लाल मिर्च और हमारे ये सब स्पाइसेस जो हम तड़के के लिए यूज करने वाले हैं, और ये हरी धनिया। फ्रेंड, यह दाल जो मैंने 2 बार पानी से वॉश कर ली है। फ्रेंड, तो वॉश की हुई दाल है वो मैंने कुकर में ऐड कर दी है। अब हम उसमें 1 नंग टमाटर डालेंगे, 1/2 प्याज डालेंगे, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक। अब ये सब डाल के हम इसे स्टोव पर रख देंगे 3 सीटी होने तक। तो फ्रेंड्स, स्टोव चालू करके हम दाल को उबालने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पे। तो फ्रेंड, अब हम टोपली बनाने की तैयारी कर लेते हैं। टोपली बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1/2 कप ग्राउंड फ्लोर, वो एक बाउल में ऐड कर देंगे। बाद में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून हींग और 1/4 कप हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून नमक और थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे इसी तरह क्रश करके। 1 टेबलस्पून जितना ऑयल, ये सब इंग्रेडिएंट्स आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब पानी डालकर अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे, जैसे हम चपाती का डो रेडी करते हैं उसी तरह। ओके फ्रेंड, आप ये रिक्वायरमेंट मुझे पानी यूज करके आप ऐसा डो रेडी कर लीजिए और बाद में ऐसा डो होने के बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड करके आप अच्छी तरह से गूंद लीजिए। इसी तरह जैसे हम चपाती का डो तैयार करते हैं उसी तरह हम अच्छे से तैयार कर लें। देखिए, ये अच्छी तरह से डो रेडी हो गया है और इसे 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। तो फ्रेंड, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल पक गई है या नहीं। तो पहले हम प्रेशर रिलीज करेंगे और प्रेशर कुकर की लीड ओपन करके देख लेंगे। तो देखिए, अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें हम ब्लेंडर से क्रश कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छे से मिक्स होने के बाद ब्लेंडर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने दाल में 1 कप पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर ली है। अब आप इसमें गुड़ ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून जितना गुड़, और ये पीनट्स है जो मैंने थोड़ी देर
पानी में उबाला है इसलिए वो सॉफ्ट हो गया है, और इसे आप दाल में ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने ये दो नींबू का रस निकाला है वो आप ऐड कर दीजिए, और ये करी लीव्स है वो भी आप दाल में ऐड कर दें, और ये सॉल्ट है जो आप आपके टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून जितना ऐड किया है, और ये 1.5 टीस्पून जितनी हल्दी आप इसमें ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला आप सब इसमें ऐड कर दीजिए, और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और 10 to 15 मिनट तक इसे उबलने दीजिए। जब तक हम ये दाल उबल रही है तब उसके साथ साथ हम साइड में ढोकली भी बेल लेते हैं और उसके साथ इसमें ऐड कर देंगे, ताकि जब तक दाल उबले तब तक हमारी ढोकली भी अच्छी तरह से पक जाए। तो फ्रेंड्स जो हमने ढोकली के लिए लोट बनाया था वो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है इसी तरह, और इसे हम चपाती की तरह पतली से बेल लेंगे। तो फ्रेंड ये जो लोट था मैंने वो सूखे आटे में डिबो कर इसी तरह रख दिया है, और इसे चपाती की तरह आप हल्के हाथ से बेल लीजिए, इसी तरह से पतली जैसे हम चपाती बेलते हैं उसी तरह। देखिए फ्रेंड इसी तरह हम रोटी बेल लेंगे। अब इसे हम चप्पू या पिज्जा कटर की मदद से इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। पहले आप इसी तरह शक्करपारा की तरह काट लें। देखिए फ्रेंड मैंने इसी तरह से ढोकली बना ली है, और इस सभी ढोकले को हम दाल में ऐड कर देते हैं। ऐसे हम एक एक करके सारी ढोकली है वो उबलती हुई दाल में ऐड कर देंगे, ताकि दाल जब तक उबले और अच्छी तरह से ये भी पक जाए। देखिए फ्रेंड आफ्टर 10 to 15 मिनट हमारी दाल ऐसी है। ठीक है अब हम सोचते हैं कि ढोकली कैसे पक सकती है, तो सारी ढोकली तेल के ऊपर आ जाए तब हमें मान लेना चाहिए कि सारी ढोकली है वो पक चुकी है। अब हम आगे का स्टेप तड़के की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड हम तड़के के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे, और उस पैन में 2 चम्मच जितना मैंने ऑयल ऐड किया है, और स्टोव ऑन करके मीडियम आंच पर इसे हीट होने देते हैं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद हमारा ऑयल है वो हीट हो चुका है, तो आप इसमें 1/2 चम्मच जितना मस्टर्ड सीड्स, 1 टी स्पून जितने क्यूमिन सीड्स ये दोनों डाल ऐड करके हम 2 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। बाद में हम 10 to 15 करी लीव्स ऐड कर देंगे। ये सब होने पर आप आंच को धीमी कर दें, और बाद में 1 स्पून जितनी हींग डालेंगे। ठीक है अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च है वो डाल देंगे। ठीक है अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब 1 to 2 मिनट भूनने के बाद आप इसमें काटा हुआ टोपिया से वो ऐड कर दीजिए। ठीक है इसे भी 5 मिनट तक आपको अच्छी तरह से भून लो, जब तक ये प्याज का कच्चापन है वो निकल ना जाए। आप इस तरह प्याज डालती है तो ढोकली का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो 1 to 2
मिनट के बाद इसी तरह हमारा प्याज है वो पक जाएगा, और उसके बाद आप एक कटा हुआ टमाटर ऐड कर दीजिए, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लीजिए, जब तक ये टोमेटो है वो सॉफ्ट हो जाए तब तक। उसके बाद आप इसमें सूखे मसाले ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करते हैं हमारे टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। अब थोड़ी सी हम रेड चिली ऐड कर देंगे, 1 चम्मच जितनी, आधा चम्मच जितना ये गरम मसाला है, और 1 टेबल स्पून जितना हरा धनिया। अब इस सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिए। अच्छे से मिक्स होने के बाद आप इसमें दाल ऐड कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर दिया, अब हम इसमें हमारी दाल है जो पकी हुई वो ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम अपनी दाल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। लग रही ना अच्छी सी। अब 2-3 मिनट तक उबालो और आपकी दाल ढोकली है वो सर्व करने के लिए रेडी है। दाल ढोकली अब रेडी हो चुकी है, अब हम इसे हरे धनिया से गार्निशिंग करेंगे, ठीक है। और ये हरा धनिया हम इसमें डाल दीजिए। अब वो पकी हुई दाल ढोकली है वो हमने सर्विंग बाउल में ले ली है, और हम इसे फ्रेश कोरिएंडर लीव से गार्निशिंग करेंगे। तो इसी तरह से हम गार्निश कर देते हैं। तो ये दाल ढोकली है वो सर्व करने के लिए रेडी है, और आप इसे कच्चे प्याज के साथ भी खा सकते हैं और उबले हुए राइस के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।